Hi Marys, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. Sare ki sare link description box mein. Namaste, this is Dvija. Kaise hain aap? Hum continue kar rahe last time ka to be continued. Wo tha Alvida dost and this one is Hamara Rishta Khatam. आई गेस नॉट क्योंकि उनके उसके बाद काफ़ी सारे वीडियोज़ भी आए हैं बंछोड़ दास और बीबी के साथ में राइट एंड इट्स जस्ट ए लिटिल फॉलिंग आउट लेकिन जैसा लास्ट टाइम बोला था द सेंस इज़ अ फ्रेंडशिप राइट तो हमेशा ऑलवेज कीप इट ओके पापा माँ की वट एवर आई एम नॉट सेइंग इट मेरे बेटे बीबी क्यू आए सो आई थिंक हम फाइनली लॉन्ग टाइम के बाद बंछोड़ दास के पिताजी को देख रहे आई थिंक लास्ट टाइम हमने कब देखा था उन्हें आई थिंक डिंडोरा उसके बाद ऐसा कोई वीडियो नहीं आया जो हमने किया था जिसमें वो थे रिमाइंड मी अगर है मुझे याद नहीं आ रहा है अभी वी हैव सीन क्वाइट अ लॉट एंड काफ़ी और बाकी भी है लास्ट वीडियो गया था सो होपफुली उम्मीद करते इसमें भी मज़ा आएगा और ये वीडियो भी जाएगा ओके लेट्स गो लेट्स गेट इट प्ले जब हम 7 साल के थे तब उसने मुझे ये रोज डे पे दिया था तू रो विफ को पानी देता है प्लास्टिक का ये मैं कैसे रख लूं जब हम 5th क्लास में थे तब उसने मुझे अपना हैप्पी मील टॉय दिया था आई लव्ड हैप्पी मील टू ये मैं कैसे रख लूं ये वो अपना तकिया यहाँ पे छोड़ गया ये मैं कैसे रख लूं ये उसकी टी शर्ट यहाँ पड़ी हुई थी धो दिए ये मैं कैसे रख लूं ये उसका माउस ये मैं कैफे रख लूं ये उसके चश्मे का कवर ये मैं कैफे रख लूं ये उस मूवीज का एचडी कलेक्शन ये तू क्या कर रहा है ये इसमें कुछ नहीं बोला को एक पल में तोड़ दिया दोस्ती में जब बातें छुपाने की नौबत आ जाए तब समझ जाना चाहिए कि दूरी बढ़ाने का टाइम आ गया पर तुम दोनों तो जय वीरू की तरह हो एंड में जय मर जाता है फक्ती मानत गंगाधर दोनों एक ही है नटू काका और बाघा अबे चुप यार अब कोई बात नहीं होगी उसकी इस घर में तो बाहर हल इन जनरल कोई बात नहीं होगी पर क्यों बेंचो और मेरा रिश्ता खत्म माकीचू मेरे बेटे रिश्ते अगर इतनी आसानी से खत्म होते तो एकता कपूर के सीरियल 12 साल तक नहीं चलते माकीचू और प्लास्टिक सर्जरी आप यहाँ कैसे क्यों यहाँ पे सिर्फ फुकरे आ सकते हैं क्या नहीं मेरा मतलब बहुत टाइम के बाद आप आए हो पानी लोगे नहीं बेटे आज मैं नीट पीऊंगा इसके लिए नहीं पूछा था हेलो एक काम करो रशिया की टीम पे $250 मिलियन लगा दो अरे मेरी पूछने से बात हो गई है लड़के पहले बहुत डिफेंसिव खेलेंगे फिर स्पेन को पेनल्टी में धनवर्ती के दर्शन कराएंगे माकी छू मोफा जी आप फट्टा खेलते हो बेचे टाइम पास के लिए कभी कभी फाइनल कौन जीतेगा चेन्नई सुपर किंग्स आप यहाँ किसी काम से आए हो बैन हो तो दुबई हला गया अगर वो दुबई में होता तो मैं यहाँ क्यों आता रेस 3 देखने मतलब वो दुबई नहीं गया है आपके साथ कब बात हुई फोन आया था उसका अच्छा जो पापा वाह की इच्छू मेरे बेटे तूने बहुत सही टाइम पे कॉल किया है और लीजा भी यहीं पे है हेलो बैंचो चाय पी लो आपने इसको भी हिंदी सिखा दी चाय पी लो सब छोड़ बेटे मैंने तेरी फ्लाइट की टिकट करा दी है तू मेरे पास आ जा जल्दी से जल्दी पापा मैं दुबई नहीं आ पाऊंगा हां क्यों आई डोंट फील लाइक कमिंग But your dad loves you. अरे वो कोई और बात कर रहा है तुम कुछ और बात कर रही हो खामखा ठरक जगा रही हो माँ की चू बेटा तू जल्दी आ जा बेटा पापा जख्म बहुत गहरे हैं बेटा संजीवनी जड़ी बूटी और लीज बूटी ने बहुतों का इलाज किया है तू टेंशन मत ले इधर आ जा पापा मैं नहीं आ पाऊंगा बाय अरे अरे कहाँ गया माँ की चू अब मुझे ही इंडिया जाना पड़ेगा यार क्यों उसको तो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना था लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहिए था महंगे महंगे क्लब्स जाना था मुझे भी यही लगता था लेकिन उस दिन उसकी बातें सुन के लगा कि उसको ये सब नहीं चाहिए उसकी आंखों में दुख था बेटे ऐसा दुख जो मेरी आंखों में तब होता है जब मुझे सुबह गांजा नहीं मिलता कोई फूकता है क्या तुम से नहीं अंकल शाबाश मेरे बेटे बिल्कुल नहीं करना चाहिए इससे दिमाग स्लो होता है उस दिन मैं लीजा को अपने गैंग मेंबर की मैयत पे ले गया तो वहाँ जोर जोर से हंसने लगी क्यों क्योंकि उससे पहले हम अंदाज अपना अपना देख रहे थे उसको सारे जो आधे घंटे बाद समझ आए माँ की
अंकल इसीलिए हम ड्रग्स नहीं करते। मैं हमेशा चाहता था कि मेरा बेटा मेरा बिजनेस संभाले, लेकिन कल उसको उदास देख के मुझे लगा कि ये तो केले की रेडी लगाएगा माँ की चू। रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू देख के मुझे एहसास हुआ कि इसको तो म्यूजिकली पे होना चाहिए। उसके और लीजा में बहुत बहस हो गई, फिर वो रोने लगा, फिर लीजा को झुकना पड़ा। लीजा ने हार मान। बहुत जिद्दी है मेरा लड़का, एक दिन बचपन में जिद करने लगा कि पापा मुझे डेड बॉडी के साथ खेलना है। डेड बॉडी से? हाँ, फिर मेरे बड़े भाई ने उसको डांट कर चुप करा दिया। और नहीं तो? फिर भी मैंने उसको खेलने दिया। किसकी डेड बॉडी के साथ? मेरे बड़े भाई की। मेरे बच्चे को कोई डांटने वाला पैदा नहीं हुआ, और जो हुआ है मैंने उसको जमीन में गाड़ दिया है, चाहे वो मेरा बड़ा भाई क्यों ना हो। पर आप उसको दुबई क्यों बुलाना चाहते थे? दुबई में वो ऐश करता, दिरहम कमाता दिरहम। क्यों, यहाँ रह के भी तो रुपए कमा सकता था ना। रुपया गिर के 69 हो गया है मेरे बेटे, पहली बार ऐसा हुआ है 69 में सिर्फ एक पार्टी किसी ने मुझे गुंडा बोला। अरे समीर, मैंने तेरे को मना किया था ना, क्यों बोला तू ऐसा? झूठ बोल रहा जी, मैंने नहीं बोला। बेटे एक बात याद रखना, पीठ पीछे बुराई बिग बॉस वाले करते हैं। मुझे कुछ भी बोल लो, लेकिन अपने दोस्त की दोस्ती पर शक मत करना। दोस्त पात की तरह होते हैं, एक बार निकल गए फिर लौट कर नहीं आते। तुम दोनों की दोस्ती की मिसाल मैं पूरे अंडरवर्ल्ड में देता हूँ कि दिमाग भले ही खाली क्यों ना हो, दिल मोहब्बत से भरा होना चाहिए। बेटा छोटी मोटी लड़ाई तो सब में होती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि रिश्ता ही खत्म कर दो। मैंने उसको इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल ऑफर किया, प्राइवेट जेट टू ट्रैवल, लैम्बोर्गिनी ऑन रोड, हॉट चिक्स, बीच अफगानी और ईरानी, बिना इलायची की बिरयानी। कहता नहीं पापा मुझे यही रहना है गरीबों के साथ, चड्डी में छेद और नुनू पे हाथ। TMI. मेरा भाई। But friends. पता नहीं कैसे गलत समझ लिया उसको, बुरा भला भी बोल दिया। कोई बात नहीं, प्यार से समझाना चाहिए, चिल्ला दिया उसपे। This is so wholesome. आज बता उसको बर्थडे है, उसने कभी मेरे बिना नहीं मनाया। लास्ट ईयर मनाया था, तब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था होटल रूम में। मैं चुप पापा के सामने क्यों बोल दिया यार? भाई बेटे तुम मेरी सच्ची औलाद है, अभी टिंडर के मालिक से बात करता हूँ, वो तुझे स्पेशल फीचर देगा, जो लड़की तुझे रिजेक्ट करेगी वो अपने आप लाइक हो जाएगा। मौफा जी ईवीएम थोड़ी है, ये किया तो वो हो जाएगा। सॉरी भाई रूडली बात करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोल दे। तूने भी तो मम्मी पापा के बारे में बुरा भला बोला था, तू भी सॉरी बोल। तो तूने भी तो पापा को गुंडा बोला था। ओ अच्छा, तो वो तू था। नहीं कर, खाली है बेटे। नॉट सो खाली आई गेस। Oh, I prefer the first part, sorry. But, friends, everything. लेकिन अभी तो I think, आज के ज़माने में seriously कोई बिना मतलब का दोस्त ढूँढना is like वेरी डिफिकल्ट। सो इसीलिए बोलती हूँ जो है उनको साथ में रखो, रियली रियली नेवर ट्राई टू ब्रेक दैट बॉन्ड। मतलब ऐसी छोटी सी बातें, छोटी सी बातें बीच में मत आने दो, बिकॉज इट माइट रियली। बट आई डोंट थिंक सो कि एक बार तो मेरी फ्रेंडशिप टूट जाए तो फिर से नहीं वापस हो सकती है। लाइक आई हैव हैड वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ, लाइक हम बेस्ट फ्रेंड्स थे पहले, बट देर वॉज सम रीज़न जो हम बात नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे से। इट वॉज जस्ट हमारी फील्स अलग अलग हुई, वी जस्ट कुडंट टॉक, और बहुत सालों के बाद वी जस्ट सम हाउ मेट अगेन एंड एवरीथिंग वॉज बैक टू नॉर्मल। लाइक लास्ट टाइम आई सेड, कुछ लोगों के साथ बस कुछ ऑकवर्ड नहीं होता है, लाइक यू जस्ट स्टार्ट टॉकिंग एंड जस्ट लाइक इट फ्लोज नेचुरली। And I love that kind of bond, क्योंकि वो forced bond नहीं होता है, it's just natural, it just happens to be there and it's just amazing. और मुझे किसी ने बोला था इसमें तीन videos है, so मुझे दो का पता है, मुझे तीसरे का नहीं पता है। So I hope I did the right thing. काफ़ी लोगों ने बोला था इसके पीछे हमारा रिश्ता ख़त्म वाला ही video है, because हर बार तो हम prequel ही करना पड़ता है, somehow always land up on the wrong video. But कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, I still remember it, so whatever. बट हाँ, लेट मी नो अगर तीसरा वीडियो कौन सा है इसमें, आई डोंट नो, आई डोंट नो।
रिगार्डलेस ऐसा नहीं है कि मुझे मज़ा नहीं आया, जस्ट कंपेरिजन टू पहला वाला मुझे वो वाला ज़्यादा पसंद था, बट आई डिड एंजॉय दिस एज वेल आई थिंक एक्सेप्ट फॉर एक लाइन, एक या दो लाइन. मुझे कभी बीबी की वीडियोज़ में ऐसा कुछ ऑफेंसिव नहीं दिखता, कभी नहीं. आई थिंक सेकेंड टाइम आई सेड आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि मैं कल ही देख रही थी हाउ मेनी वीडियोज़ वी हैव डन, वी हैव डन 81 वीडियोज़ ऑफ बीबी की वाइंस. ओके, और उसमें से अभी आज तक मेरी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं थी, बट इस वीडियो में देर इज दैट. इट्स अ ओल्ड वीडियो, पता नहीं कब का वीडियो है, 4 years ago, लेकिन आई डोंट, पहले तो मैंने नहीं, आई डोंट नो, वही हो जाता है, इट्स ओके, दैट्स फाइन. आई मीन या इट्स ओके नॉट टू मेंशन सो मच, इग्नोर कर सकते हैं. और वैसे 3 साल पहले तो मैंने भी बहुत गलत चीज़ें की थी जो मुझे नहीं पता था वो गलत थी उस टाइम. सो वी ऑलवेज ग्रो एंड लर्न विथ डिफरेंट थिंग्स, बट उसके लिए वी नीड टू बी रेडी टू ग्रो एंड लर्न, और रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता. एनी वे आई रियली एन्जॉय दिस, होप यू डिड. अगर आप मुझे बता सकते हैं कि थर्ड वाला पार्ट कौन सा है, लेट मी नो दैट. एंड आई वुड लाइक यू गाइज लेट मी नो कि इफ़ यू हैव एवर बी फ्रेंडेड अगेन योर बेस्ट फ्रेंड, जिससे आपका आपकी बातें बंद हो गई थी, वट एवर दैट इज, ऐसा कुछ किस्सा आपकी दोस्ती का, इफ़ यू कैन शेयर दैट बी अमेजिंग, आई वुड लव टू लर्न दैट. और या आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, लव यू.